हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार, आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए। अगर आप एज अ फ्रेशर विप्रो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी सैलरी क्या होगी। सबके मन में होता है भाई, एज अ फ्रेशर मैं यहाँ जाऊँगा तो सैलरी क्या होगी। और एज अ एक्सपीरियंस तो यार किसी की सैलरी बताना मुश्किल है, क्योंकि जो उसको हाइक मिलता है उसके सिटी से भी मिलता है। वो कितना भी हो, जो कंपनी देगी 20% दे, 30% दे, जो भी कंपनी दे, वो कंपनी के हाथ में, वो हम गैस कर ही नहीं सकते। वो बस उसको ही पता रहेगा। लेकिन हम फ्रेशर की बता सकते हैं कि उसकी सैलरी कितनी होगी। अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हैं विप्रो, तो आपका सीटीसी क्या होने वाला है, तो बने रहिएगा वीडियो में। मैंने एक कलीग की सैलरी स्लिप देखी थी जो एज अ फ्रेशर विप्रो ज्वाइन करी है जिसने, तो उसने ज्वाइन करी है अभी रिसेंटली, एक मंथ पहले ज्वाइन करी है। तो उसका सैलरी आया था, तो मैंने सैलरी स्लिप देखी उसकी, तो बेसिक पे कितना था और हाउस रेंट अलाउंस कितना था, उसका बोनस कितना था और पीएफ कितना कटा, तो ये सब मैंने डिटेल्स में उसमें, मतलब सैलरी स्लिप में उससे पता करा। और उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बताया कि जिससे आप लोगों को पता लग चुके कि अगर आप विप्रो ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आपका इन हैंड सैलरी क्या होगा। तो यार, अगर आप विप्रो मतलब ज्वाइन करने वाले हैं, तो कुछ लोग बंदे थे, मतलब उन्होंने पूछा था कि विप्रो हमें क्वार्टर्स देती है या फिर कुछ होटल्स पीजी वीजी, मतलब ऐसा कुछ देती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं देती, बट हाँ, विप्रो एचआरए के रूप में आपको उसका पे ऑफ करती है, आपका थोड़ा बहुत जो सैलरी में ऐड होके आता है। तो फ्रेशर की सैलरी जाने वाली है इस साल मे बी 340 और 350 के आसपास फ्रेशर की सैलरी रहने वाली है, इन हैंड रहने वाली है 23,500 समथिंग कुछ सैलरी रहने वाली है एज अ फ्रेशर जो भी ज्वाइन करेगा विप्रो। और सैलरी में होगा क्या क्या, बेसिक पे होगा आपका, हाउस रेंट अलाउंस होगा आपका, और आपका होगा बोनस होगा आपका, और वेरिएबल पे भी होता है जो कि आपकी सैलरी में से हर मंथ थोड़ा बहुत कटता है और आपको 3 मंथ बाद मिल जाता है। वो मिलता कैसे है, और कितना मिलता है वो मैं बताता हूँ आपको। जो डबल ए बैंड वाले हैं तो उनको तो यार किसी किसी को मिलता है, सबको नहीं मिलता, किसी किसी प्रोसेस में होता है उसको मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। B1 से चालू होता है, जिसका बैंड B1 B2 है उनसे चालू होता है, 2,500-3,000 रुपये अप्रॉक्स मिलता है उनको B1 वालों को, B2 वालों को उससे थोड़ा ज़्यादा मिलता है। और जैसे जैसे आपका बैंड बढ़ता रहता है तो ये वेरिएबल पे भी बढ़ता रहता है, तो वेरिएबल पे लेकिन वो डिडक्ट होता है आपकी सैलरी में से ही। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के आपकी सैलरी में से कटते हैं 600 रुपये, और वो इंश्योरेंस कंपनी आपको करवाती है, जिसका आप मेडिकल क्लेम ले सकते हैं कभी भी अगर आप अपने डॉक्यूमेंट दें। और आपका एक कार्ड भी बन जाएगा, ESI कार्ड, वो आपको हॉस्पिटल में जहाँ जहाँ लिस्ट मिली होगी, वो हर जगह मोस्टली 90% हॉस्पिटलों में वैलिड होता ही है वो, तो आप वहाँ दिखा के अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। उसका अमाउंट होगा 3,00,000 रुपये 1 ईयर में, आप कभी भी ले सकते हैं अगर आपको कुछ दिक्कत है। प्लस आपके जो अगर वाइफ है तो वाइफ का भी होगा उसमें, और प्लस पेरेंट्स का नहीं है, पेरेंट्स का अगर आप ऐड कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स का नहीं है फ़िलहाल इसमें। और रही बात जो लिस्ट मिलेगी हॉस्पिटल की, आप या तो उससे कैशलेस क्लेम कर सकते हैं, या फिर आप कैश दे के बाद में जो आपको डॉक्यूमेंट मिले वो आप कंपनी में सबमिट करके आप अपना पैसा अपने अकाउंट में मंगा सकते हैं। तीसरी और चौथी बात रही पीएफ, आपका पीएफ कितना कटेगा, आपका पीएफ कटेगा अप्रॉक्स 2,300 रुपये के समथिंग आपका पीएफ कटेगा, जो कि आप जब मर्जी निकाल सकते हैं। वैसे पीएफ निकालने की इतनी खास ज़रूरत तो नहीं है, और उसके पीएफ हटा के आपकी सैलरी रहेगी 23,500 रुपये इन हैंड। और फिर अगर आपको विप्रो, अगर आप फैब में ज्वाइन करते हैं, तो उसके 7-8 महीने बाद आपका अप्रेजल चांस भी रहता है। अभी अप्रेजल हुआ है विप्रो में अप्रैल, जैसे जिनकी सितंबर में ज्वाइनिंग थी उनका अप्रेजल, सेल्फ अप्रेजल भेजा है रिव्यू के लिए, तो अप्रैल में भेजा है 5 तारीख को, तो अब मे बी नेक्स्ट मंथ से उनका अप्रेजल हो जाए। तो अगर आप विप्रो ज्वाइन कर रहे हैं तो ये बात ध्यान रखना कि अप्रैल सेल्फ रिव्यू के लिए अप्रेजल भेजना पड़ता है, वो 5 अप्रैल 10 अप्रैल के बीच में डेट होती है, वो आपको बता दिया जाएगा, पोर्टल पे आ जाएगा आपके कि कब भरना है। अगर आपकी ज्वाइनिंग इसके बाद है या इससे 1 मंथ पहले ही है तो आप
अप्रेजल के लिए नहीं भर सकते अपना, तो वो डिपेंड करता है। फर्स्ट अप्रेजल जो विप्रो में होता है वो रेटिंग पे नहीं होता। अगर जैसे जिसकी ज्वाइनिंग 6 महीने पहले की हुई है तो उसे रेटिंग नहीं दे सकते, कोई भी मैनेजर रेटिंग नहीं दे सकता, क्योंकि अभी वो ट्रेनिंग पीरियड में ही है। क्योंकि 3 महीने की तो डोमेन ट्रेनिंग होती है, 1 महीना ज्वाइनिंग में लग जाता है, और फिर ये मान लो 3 महीने और 3.5 महीने तो आपका ऐसे ही चलता रहता है हनीमून पीरियड। फिर आते हैं आप फ्लोर पे, फिर फ्लोर पे आने के बाद आपके प्रोसेस ट्रेनिंग होती है, तो उसमें भी रेटिंग नहीं दे सकते, क्योंकि भाई आप सीख रहे हो अभी, ट्रेनिंग ले रहे हो, तो उसमें क्या मतलब काम में इतना अच्छा करोगे नहीं तो रेटिंग दे नहीं सकते। और रेटिंग नहीं मिलेगी तो फर्स्ट अप्रेजल जो कंपनी करती है वो खुद ही करती है, जो भी करती है मतलब 8-9% 10% जो भी करती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अप्रेजल का फॉर्म मैंने भी भरा है इस साल, मैं भी एलिजिबल हूँ, तो देखते हैं मैं आपको बताऊंगा जरूर कि कितना मतलब अप्रेजल होगा मेरा, मे बी नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ, जैसे भी अप्रेजल का मेरे पास मेल आ जाएगा कि हाँ इतना इंक्रीमेंट मेरा हो चुका है, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो बस करते हैं ये वीडियो यहीं ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और अगर कुछ डाउट रह गया हो तो यार आप कमेंट में मेंशन करके मुझसे पूछ लेना। मैं सभी का कमेंट का रिप्लाई तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कमेंट के रिप्लाई दे पाऊँ। बस कल ऑफिस जाना है, आज तो छुट्टी है घर पे ही था, तो सोचा आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूँ। चलो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग होगा विप्रो में अप्रेजल कैसे होता है और कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं अप्रेजल के लिए, और कॉग्निजेंट का भी बताऊंगा मैं, कॉग्निजेंट में मेरा पहला अप्रेजल कितने परसेंट हुआ था जब मैंने कॉग्निजेंट ज्वाइन करी थी, एज अ फ्रेशर ज्वाइन करी थी मैंने कॉग्निजेंट, और मेरा फर्स्ट अप्रेजल ही 5 मंथ में हो गया था, और कितना हुआ था मतलब अच्छा हुआ था, काफ़ी अच्छा खासा हुआ था। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब मैं विप्रो का अप्रेजल बताऊँगा तो मैं कॉग्निजेंट का भी अप्रेजल बताऊँगा आपको कि कितना हुआ था मेरा कॉग्निजेंट में। तो यार ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी फ़िलहाल मैं कोई टूर पे नहीं जा रहा, जब मैं टूर पे जाऊंगा तो वो भी बताऊंगा भाई कहाँ जाऊंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।